अस्सलाम वालेकुम मैं परदेसी भाई। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा उन लोगों के लिए जो मेरे वीडियो में नकल का फाला या फिर फाइनल एग्जिट ग्रुप से रिलेटेड या फिर जो भी आपका डाउट होता है उसे आप मुझसे जो है कमेंट के रूप में आप मुझसे पूछते हैं और मैं इंशाल्लाह उसी को आज क्लियर करने की कोशिश करूँगा। जो आपका डाउट होता है उसे क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अपने चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब वीडियो पसंद आए तो एक लाइक दे करके नोटिफिकेशन बेल आइकन कॉल पर क्लिक कर लें ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो आप तक आसानी तक पहुँच सके, क्योंकि इस चैनल पर इस तरह का टेक्निकल वीडियो आप लोग के लिए अपलोड करता रहता हूँ। और अगर आप मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो प्लीज़ को फॉलो जरूर कर लें ताकि स्वदेश जो रही हर तरह की मालूम वीडियो आप तक मिलती रहे। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले एक कमेंट है कि मेरा कफ़ील एग्ज़िट लगा दिया है, बताया नहीं, एग्ज़िट एक्सपायर हो गया है, इकामा भी एक्सपायर है, मैं घर जाऊँ कैसे। तो देखिए भाई, जो लोग भी यहाँ पे हैं जिनका भी एग्ज़िट एक्सपायर हो चुका है तो उन लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि अगर आप एग्ज़िट आपके ऊपर अप्लाई है आप नहीं जा पाते हैं चाहे वो कोई भी रीज़न हो, अगर आप एग्ज़िट के दौरान नहीं जाते हैं, 60 दिन का टाइम होता है एग्ज़िट जब लगता है तो 60 दिन का टाइम वहाँ से काउंट होता है। 60 दिन के अंदर में अगर आप एग्ज़िट चले गए तो अच्छी बात है, अगर 60 दिन के बाद भी आप एग्ज़िट नहीं जाते हैं उसके बाद फिर आपके ऊपर 1000 रियाल का पेनल्टी होता है, उसे आपको पे करना पड़ेगा। तो किस तरीके से जाना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले आपको जाना है एम्बेसी। एम्बेसी जा कर के बताएँ कि मेरा एग्ज़िट जो है एक्सपायर हो गया है, लिहाजा मुझे जो है उसे रीइशू कर दें। तो वहाँ पे आपको 1000 रियाल जो है पेनल्टी पे करना पड़ेगा, उसके बाद फिर आपके ऊपर जो है फिर से एग्ज़िट वीज़ा को जो है अप्लाई किया जाएगा, इशू किया जाएगा, फिर वहाँ से जो है आपका एग्ज़िट लगेगा, फिर उसके बाद जो है आप अपने घर जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे मेरे एक भाई का सवाल है, अगर न्यू वीज़ा पे आके ट्रांसफ़र ले सकते हैं कि नहीं, क्यूआर पे कॉन्ट्रैक्ट और इकामा भी ना हो तो। देखिए, न्यू वीज़ा पे आकर के आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, लेकिन आपका एक साल कंप्लीट हुआ होना चाहिए। एक साल के बाद अगर आप एक साल काम कर लें अपने स्पॉन्सर के बाद, फिर उसके बाद आप एलिजिबल हैं, आपको गवर्नमेंट अलाउ करता है कि आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं। अब बात रही यहाँ पे कि क्यूआ पे कॉन्ट्रैक्ट या फिर इकामा हो या ना हो। देखिए, अकाउंट क्यूआ पे आपका कॉन्ट्रैक्ट हो, इकामा अगर नहीं है तो फिर तो हो ही जाता है, इसी वे में एक्सपायर हो तो भी हो जाता है। बात रही कॉन्ट्रैक्ट की, तो कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पे उतना मायने नहीं करता है। अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी मुश्किल नहीं, आपका ट्रांसफ़र हो सकता है। लेकिन मैंने आपको दोनों कंडीशन बता दी है कि एक साल के बाद आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं, और दूसरा जो कंडीशन हो गया कि आपका इकामा बना हो या ना बना, तो बना हुआ नहीं है तो भी आप ले सकते हैं। चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। फिर मेरे एक भाई का सवाल है, व्हाट इज़ फीस फॉर फाइनल एग्ज़िट कैंसिलेशन। तो देखिए, फाइनल एग्ज़िट कैंसिलेशन का 0 फीस है, इसका कोई भी पैसा नहीं लगता है। लेकिन इसमें क्या कंडीशन है ये भी सुन लीजिए कि जब आपका कफ़ील या कंपनी आपका फाइनल एग्ज़िट लगाता है तो 20 डेज़ का टाइम होता है, कंपनी या कफ़ील बिना 1 रुपये पे किए आपका फाइनल एग्ज़िट कैंसिल कर सकता है। पहला बात हो गया। अब दूसरा बात ये हो गया कि 60 दिन के बाद, उसके बाद फिर 20 दिन के बाद फिर कफ़ील या कंपनी आपका फाइनल एग्ज़िट कैंसिल नहीं कर सकता है। 60 दिन तक जो है आपके पास टाइम होता है कि आप किसी तरीके से भी अपना फाइनल एग्ज़िट कैंसिल करवा लें। तो ये बात हो गई। अब 60 दिन के बाद अगर नहीं करवाते हैं तो फिर यहाँ पर आपका कुछ नहीं हो सकता है। तो फाइनल एग्ज़िट कैंसिलेशन का कोई भी फीस नहीं होता है। चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे देखिए, एक भाई का सवाल है कि कॉन्ट्रैक्ट पेपर हमारे पास नहीं है तो वो कहाँ पर मिलेगा। तो देखिए, क्यूआ पे आप जाएं, क्यूआ पे आप जाएंगे तो आपका कॉन्ट्रैक्ट का जो भी डिटेल्स होगा शॉर्ट फॉर्म में आपको मिल जाएगा, फुल डिटेल्स नहीं मिलेगा। चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। भाई, मुझे 11 महीना हो गया है, इकामा नहीं है, फाइनल एग्ज़िट जाने हैं, क्या करूँ। देखिए, अगर इकामा नहीं है, इकामा आपको नहीं बना है या फिर इकामा आपका एक्सपायर है तो आप एम्बेसी से कांटेक्ट करें, वहां से आपका फाइनल एग्ज़िट तुरंत भर में अप्लाई हो जाएगा। फिर आप एम्बेसी से कांटेक्ट करेंगे तो आपका फाइनल एग्ज़िट लग जाएगा, आप वहां से चले जाएं। अब यहां पे देखते हैं एक और कमेंट को। भाई, मेरा इकामा साहे खास में हूँ, क्या दूसरा करता हूँ, कफ़ीर बहुत परेशान करता है, पैसा नहीं देता है, ना खाने का पैसा देता है, बस बैठा के रखा है, जहाँ जगह जगह दूर तक कोई नहीं है, कैसे यहाँ से निकलें। इकामा वैलिड 4 मंथ का, प्लीज़ भाई कोई ऐसा रास्ता बताएं जो ऑनलाइन कुछ कर सकूं, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है जो कि कहीं मैं जा सकूं।
तो देखिए, जो लोग भी इस तरह का परेशानी फेस करते हैं कि कोई डिजर्ट एरिया में आपको रख दिया गया है और आपके पास पैसा नहीं है, तो आप जो है ऑनलाइन भी अपने एमबीसी से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी जो है उसके ऊपर वीडियो बना के रखा है, आप उसे देख करके आसानी से जो है अपना कंप्लेंट वहाँ पे कर सकते हैं, वहाँ से आप अपना फाइनल एग्जिट लगा सकते हैं। एम्बेसी खुद ही आपको जो है फ़ोन करके या फिर व्हाट्सएप के थ्रू आपसे कांटेक्ट कर लेगा और जो भी आपका परेशानी होगा सुन करके आपका फाइनल एग्जिट वहाँ पर लगा देगा। तो लेकिन उससे पहले आपको ऑनलाइन जो है फाइनल एग्जिट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा, आप उसे देखें, उसे देख करके अच्छे से अपना फाइनल एग्जिट को जो है अप्लाई कर लें। चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। तो यहाँ पे एक भाई का सवाल है, भाई मेरा एग्ज़िट पेपर आ गया है, उस पर मेरा पुराना पासपोर्ट का नंबर है, पर मैं पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए डाला था, वो आज आया है, क्या मुझे एयरपोर्ट में कोई दिक्कत तो नहीं होगी? एकदम हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आपने अपने पासपोर्ट का नकल मालूमात नहीं करवाया है, तो लिहाजा जो आपका फाइनल एग्ज़िट का वीज़ा आया होगा वो पुराने पासपोर्ट के नंबर पे आया होगा। जब तक आप नकल मालूमात नहीं कराते हैं तो आपका पासपोर्ट नंबर वहाँ पे अपडेट नहीं होता है, तो जब तक आपका अपडेट नहीं होगा तो फिर आपके पुराने नंबर के पासपोर्ट पे जो है आपका फाइनल एग्ज़िट हो गया अप्लाई, अब वहाँ पे जो है आप जब पासपोर्ट लेके जाएं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि जो लोग ऐसा परेशानी अगर फेस कर लेते हैं कि उनके पास फाइनल एग्ज़िट का पेपर में पुराना पासपोर्ट है और उनके पास एक नया पासपोर्ट अर्जेंट में आ गया है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं कि आप अपना दोनों ही पासपोर्ट लेकर के ट्रैवल करें, वहाँ पे आप जाएं, वहाँ पे आपका नकल मालूमात नहीं करेगा लेकिन आपका पासपोर्ट वेरीफाई करेगा, वेरीफाई करने के बाद वहाँ से आपको भेज देगा। तो लिहाजा ये ट्विंस क्वेश्चन है कि आपको परेशानी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, दोनों ही केस है यहाँ पर, क्योंकि आपके फाइनल एग्जिट के वीज़ा पे जो है पुराना पासपोर्ट का नंबर है और आपके पास जो है नया पासपोर्ट का नंबर है, क्योंकि आप जब पासपोर्ट एयरपोर्ट पर जाएंगे तो आपका जो है जिस जो वीज़ा फाइनल एग्जिट के वीज़ा पे जो आपका पासपोर्ट नंबर है वो पासपोर्ट आपका एक्सपायरी हो चुका है, तो लिहाजा आप उस पर ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। और जब आप अपना नया पासपोर्ट देंगे तो वहाँ पे जो है पासपोर्ट नंबर चेंज हो जाएगा वीज़ा फाइनल एग्जिट के पेपर से, तो वहाँ पे आपको परेशानी हो सकता है, तो इससे पहले आप अपना नकल मालूमात करवा लें तो फिर आपको ईजी हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, सवाल को मैं क्लियर करने की कोशिश की है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उस पर भी आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। और अगर आपका कोई सवाल ज़्यादा लंबा हो तो आप मुझसे फेसबुक या इंस्टाग्राम पर रब्ता कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उस पर भी जवाब देने की कोशिश करूँगा। आई होप कि मेरा वीडियो आपको पसंद आए, अगर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक देकर के नोटिफिकेशन बेल आइकन कॉल पर क्लिक करें ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो आप तक आसानी तक पहुंच सके, क्योंकि चैनल पर इस तरह का टेक्निकल वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करता रहता हूं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए